हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब? नमस्ते। आज की वीडियो आप सबके लिए स्पेशल वाली, क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं कस्प हूँ ना इन दोनों साइंस के बीच में। वेल, आज की वीडियो उन सब से रेजोनेट करेगी जिनका मून साइन यानी राशि वाला साइन या राइजिंग साइन या फिर सूर्य साइन, सन साइन स्कॉर्पियो है। सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी उन सबके साथ जिनका मून साइन और राइजिंग स्कॉर्पियो है, लेकिन अगर सन साइन भी स्कॉर्पियो है तो 60% के करीब आपके साथ भी रेजोनेट करेगी। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे इंतज़ार रहता है आपकी सब्सक्रिप्शन का, आपके प्यार का, आपका बहुत सारा वार्म्थ का। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी जान पहचान में स्कॉर्पियोज़ हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी को किसी सवाल के जवाब मिल जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल आपकी लाइफ में, करियर में क्या होने वाला है। आप देखोगे कि पिछले करीब दो साल से चीज़ें जो थी, मतलब एक रूटीन की तरह चल रही थी, एक मंडेन काम, मतलब सुबह तैयार हुए, गए काम को, गए वापस आ गए, ठीक है, मतलब जैसा कर रहे हैं वैसा ही है, कुछ नया सा नहीं था, मतलब कुछ डिफरेंट सा नहीं था। तो क्या इस साल डिफरेंट है? यकीन मानो, इस साल आपका नॉर्थ नोड जो है ना, वो पांचवें घर में है। फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस होता है कुछ आपके बच्चों से भी रिलेटेड होता है, बट मेजरली मैं बात करती हूँ तो हमेशा क्रिएटिविटी की बात करती हूँ। तो ऐसे में आपके पास शेकअप टाइम है, आप चाहते हैं कुछ नया करना, आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट करना, तो जाइए अपने बॉस से बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए और उन्हें बोलिए अगर हो सके तो आपका डिपार्टमेंट या आपकी पोजीशन या कुछ चेंज कर दें, जिससे आपके अंदर वो फ्रेश इन्फ्यूज्ड एनर्जी आए और आपको ऐसा नहीं लगे वही सेम चीज़ें ना करूँ। बट अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, जो कर रहा है, जो हो रहा है, ठीक ही तो है, क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, जो जनरली स्कॉर्पियंस ऐसे नहीं होते, क्योंकि स्कॉर्पियंस के अंदर ना एक इंटेंस एनर्जी होती है, कीड़ा होता है, कि आप लोगों के दिमाग में यही रहता है कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ और, मतलब कुछ लाइफ में ना तड़क भड़क होती रहनी चाहिए। टावर मोमेंट्स भी तो सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियंस की लाइफ में आते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, जो जंग में, मैदाने जंग में निकलते हैं वही तो सामना करते हैं चीज़ों का, और जो कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, जो कहते हैं ना शिप्स अगर यार्ड में खड़ी हैं तो फिर वो किस काम आएंगी, फिर इसलिए तो नहीं बनी थी, समुद्र में जाने के लिए बनी थी। तो आप स्कॉर्पियो जोन में से हो जो समुद्र में जाके काम करना चाहते हो, पसंद करते हो, मतलब आपको लगता है कुछ होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो अक्टूबर तक ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, मतलब करियर वाइज इट्स ओके टाइप्स रहेगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अपना क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड को यूज़ करना चाहते हैं इस साल, तो पूरी चांसेस हैं आप अपनी या तो चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ भी करते हैं और अपना थोड़ा क्रिएटिविटी का तड़का वापस से लगाते हैं, आपकी लाइफ में चार चांद लगेंगे करियर को लेकर। अगर आप चाह रहे हैं ना प्रमोशन कब होगा, मैम होगा भी कि नहीं होगा, मुझे अक्टूबर में आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस पहले से ही एडवांस में। जब हो जाए तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा और मिठाई ज़रूर भिजवा दीजिएगा। चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं आपके फिनांसिस की। फिनांसिस में कैसा रहने वाला है सिचुएशन? अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है, मतलब मुझे अपना कुछ करना है, ये राइट टाइम है, आप कर सकते हैं, गो अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। एफर्ट ज़रूर लगेगा इनिशियली, मे तक आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए, क्यों ये ले लिया, लेकिन यकीन मानो आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। फिनेंशियली, मनी वाइज इस साल आप काफ़ी अच्छा करेंगे। आपके लिए काम जितना भी आप कोलैबोरेशन में करेंगे, पार्टनरशिप्स में करेंगे, किसी के साथ मिलकर करेंगे, जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मिलती हो, क्योंकि आपकी वेवलेंथ भी तो सबके साथ नहीं मिलती ना, तो जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मिलती हो, जो आप और उनकी दोनों की सोच एक जैसी हो, तो ऐसे में वो चीज़ आपको कामयाबी देगी फिनेंशियली फॉर श्योर। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने आप जो कि जनरली लेते हो, कि देख ही जाएगी जो होगा, ऐसे नहीं कहना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। थोड़ा सा लियो से समझो ना, उनसे समझा करो, सुनो, समझो, देखो,
24 घंटे का समय देना अपने आप को, जब आप नेक्स्ट डिसीजन लेने लगो तुरंत से नहीं कूद पड़ना पानी के अंदर। कहते हैं ना, भापना बहुत ज़रूरी है कि डेप्थ कितनी है, उसके बाद ही हम कूदें। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ पे। स्टूडेंट्स के लिए ये मिला जुला साल रहेगा। मिला जुला का मतलब क्या है? जितने एफर्ट करोगे उतना रिज़ल्ट मिलेगा, एफर्ट नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बोलोगे मैम ये तो सबको पता है, कोई ख़ास बात बताइए, कोई डिफरेंट बात बताइए। तो डिफरेंट और ख़ास बात ये है कि नॉर्थ नोड यानी राहु वो आपके पाँचवें घर में है, सैटर्न आपके चौथे घर में है। अब सिंपल भाषा में कहा जाए तो राहु आपको क्रिएटिविटी के लिए टक 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 ले रहा है कि भाई जैसे रोज़ पढ़ते हो लास्ट मिनट याद करते हो, उसकी जगह इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, माइंड मैप्स बना लो, उसको याद रखने के लिए विजुअल इंटरप्रिटेशन से याद रख लो। कितने सारे तरीके हैं, उन सब के हिसाब से काम करोगे। और सैटर्न क्या कह रहा है? मेहनत कर, फोर्थ हाउस में है ना, तो इसलिए आपको ये कह रहा है देख भाई मेहनत करेगा तो फ़ायदा मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा और तू सोचे लास्ट मिनट में काम कर लूँ तो मैं तुझे फ़ायदा नहीं दूंगा, राइट? तो इसलिए डे वन से पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना, डे वन से सिंसियरली और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। आप एक काम और कर सकते हैं, राहु के लिए जब हम बात करते हैं तो माँ सरस्वती की बात होती है, तो जब वो आपकी क्रिएटिविटी वाले एंड में कॉर्नर में हैं तो आप अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे या तो माँ सरस्वती की एक पिक्चर लगा लीजिए सुंदर सी, और हर रोज़ सवेरे सरस्वती सूक्तम का पाठ सुन लीजिए, आपके लिए बहुत रहेगा। अगर आप स्टडी टेबल के सामने दीवार नहीं है, मतलब ऐसी जगह नहीं है, तो आपका जो लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है उसका जो स्क्रीन सेवर है वो माँ सरस्वती की एक प्यारी सी पिक्चर लगा लीजिएगा, और सवेरे उठकर एक बार इसको ज़रूर सुनना। यकीन मानो मैजिक होता हुआ आप खुद देखोगे और यहाँ आकर कमेंट करोगे कि यस मैम चेंज आया, और बहुत कमाल का चेंज आया। सैटर्न कहता है एथिकली स्ट्रांग रहो, मॉरली स्ट्रांग रहो, स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है ना, तो वो वाले टीचर की तरह बेंत वाले हैं कि नहीं इधर उधर हुए तो एक पड़ेगी ज़ोर से, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक और सिंपल सा सॉल्यूशन बताती हूँ, अपने लिए एक छोटा सा ना विजन बोर्ड बना लो। उस विजन बोर्ड में उन पांच एरियाज़ की बात कर सकते हो आप, उन पांच एरियाज़ में जो आपको अचीव करना है आने वाले नेक्स्ट ईयर में। यानी अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसकी पिक्चर लगा सकते हो, पिक्चर के साथ नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम द ईयर 3 साल बाद 4 साल बाद जो भी आपका कोर्स है उसमें किस साल आप पास आउट करोगे, और अगर वहाँ आपको प्रेसिडेंट मेडल लेना है या कोई स्पेशल मेडल लेना है, उस कॉलेज का कोई मेडल लेना है, उस कोई डीन की कोई मेडल लेना है, तो उस मेडल का नाम और अपनी पिक्चर उसके सामने लगा सकते हो। ये तो हो गई पार्ट विजन बोर्ड का वन। इसके अलावा आप अपने आप को किन एरियाज़ में क्रिएटिवली और आगे बढ़ाना चाहते हो, स्पोर्ट्स करना चाहते हो, कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, किसी चीज़ में अपने आप को एक अलग आला दर्जे के लेवल पे ले जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड भी आप अपनी कोटेशंस लिख सकते हो, प्लस अपने आप की एफर्मेशन डाल सकते हो कि आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको आप अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में होना। अगर बहुत डेप्थ में विजन बोर्ड की डिटेल्स चाहिए तो मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है, और अगर आपको लगता है कि मैम उससे बहुत गेन होगा, कोर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में 2024 में वो चेंज आप खुद से ला के ले सकते हैं। नेक्स्ट जी हम आते हैं आपकी लव लाइफ पे और आपकी फैमिली लाइफ पे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा सीरियस टोन में लाऊंगी अपने आप को, कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। पहली चीज़ तो ये, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अपना बहुत स्पष्टवादी हैं, मतलब सामने से बोल देते हैं, अच्छा हो बुरा हो आपको घबराहट नहीं होती, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रही गलत है, बींग स्कॉर्पियो के साइंस है ना, तो मैं ये नहीं कहती, मैं भी इसी तरह से हूँ लव में और रिलेशनशिप्स में। लेकर मुझे खींचातानी, पावर स्ट्रगल ये सब नज़र आ रही है, ईगो आती हुई नज़र आ रही है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों मानूँ, वो ही क्यों नहीं, हर बार मैं ही क्यों बात मानूँ। तो जब आपको बार बार ये कीड़ा तंग करने लगेगा तो समझ लेना ये टाइम है जहाँ आपको थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड कर देना। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली, हम एक रिश्ता बहुत प्यारा सा इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने अहम में रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाला झुके या सामने वाला मुझसे बात करे या सामने वाला आके मुझे कहे कि हाँ जी उसकी गलती है। तो इनसे बाहर निकलना है तो ही आपको फ़ायदा होगा। फैमिली गैदरिंग्स जितनी भी होंगी उसमें मैं देख पा रही हूँ मीनिंगफुल डिस्कशंस होंगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा।
फिर भी किसी रिश्ते को लेकर लगता है बहुत ज़्यादा मनमुटाव या कड़वाहट है, तो ऐसे में कुछ दिन के लिए, 21 दिन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे डली हुई है, उसमें 4 सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मैजिक करते हैं और ये रिश्तों को बचाते हैं। और ये प्रेयर आपको वापस से, एक कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी साफ करके आपको एक क्लैरिटी में पिक्चर दिखाती है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है 2 क्रिस्टल्स, जिनमें से नंबर 1 है गार्नेट और नंबर 2 है मल्टी टर्मुलिन। गार्नेट और मल्टी टर्मुलिन दोनों रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जहाँ मनमुटाव ज़्यादा हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेके, आपके स्पाउस को लेके, आपके बेटर हाफ को लेके, ऐसे में एक मल्टी टर्मुलिन आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मल्टी टर्मुलिन लेफ्ट हैंड में पहनने से आपको बहुत हद तक चेंजेस नज़र आएंगे, गार्नेट के पहनने से भी बहुत हद तक चेंजेस नज़र आएंगे। अब हम आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। ये चैप्टर थोड़ा सा पहले हाफ, पहले 6 महीने ध्यान देने का है। क्यों? कोशिश करिएगा मेंटल हेल्थ पे काम करें, फिज़िकल हेल्थ पे काम करें, इमोशनल हेल्थ पे काम करें। पानी ज़्यादा पीजिएगा, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें और समय समय पर अपने हेल्थ के चेकअप्स करवाते रहें। अप टिल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं मुझे हेल्थ से रिलेटेड, उसके बाद ऑन एन एवरेज अच्छा ही साल जाएगा। अब चलते चलते लास्ट के वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या हैं। नंबर 1, जब जब आपका दिमाग आपको नए नए ख्याल दे या एक कुछ कहते हैं ना फोबिया क्रिएट कराए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, या ये पक्का से ही ये गलत होगा, ये हमेशा नहीं होगा, ये रेयरली होगा, पर जब भी होगा तो ऐसे में आपको एज्योराइट एज अ क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा उस फोबिया से बाहर निकलने का, यानी दूध का दूध पानी का पानी स्पष्टता से दिखाने के लिए हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, सिंस रिलेशनशिप के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, इस साल थोड़ी सी तंगियाँ हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइम है, तो रिलेशनशिप जोन एज पर फेंगशुई आपके घर का जो राइट साइड का कमरा है, उस राइट साइड के कमरे में जो राइट कॉर्नर है, मतलब आप जैसे ही घर में घुसेंगे राइट साइड में जो कॉर्नर है वो रिलेशनशिप कॉर्नर कहलाता है, उस कॉर्नर को साफ रखिए। उस कॉर्नर में कोशिश ये करिए कोई भी क्लटर्ड चीज़ें नहीं हैं। प्लस आपके किचन में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, चक्कू छुरियाँ फोक्स एंड नाइफ्स, कई बार हम सीधा खड़ा करके रखते हैं, उसको उल्टा कर दीजिएगा या एक डब्बे में, बर्तन में, किसी एक बॉक्स में बंद करके किसी ड्रॉअर में रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। उस कॉर्नर से एनीथिंग विच इज़ स्पाइसी, जो खटास वाली चीज़ है उस कॉर्नर से, कौन सा कॉर्नर, आपके घर का एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, कुछ भी जो खट्टी चीज़ है, कड़वी चीज़ है, धार वाली चीज़ है, लड़ाई झगड़े करने वाली चीज़ है, वो एरिया कहीं भी कुछ दिख रहा है उसमें, ऐसा उसको निकाल दीजिएगा। क्लटर दिख रहा है, क्लटर हटा दीजिएगा, साफ स्वच्छ रखिएगा, और हो सके तो वहाँ आप अपने परिवार के साथ अपनी एक पिक्चर वहाँ लगा दीजिएगा, बेटरमेंट होगी वहाँ से। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, काले रंग के कपड़े हमें साल नहीं पहनने हैं। तीसरी चीज़, आपको वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में जाकर वहाँ या तो कुछ डोनेट करना है या कुछ सेवा करनी है या उनकी हेल्प करनी है। जितना आप इस साल बड़े बुज़ुर्गों की हेल्प करेंगे उतना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी आसीस मिलेगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। सूर्य देवता को जल हर रोज़ चढ़ाएंगे। अगर हम हर रोज़ सूर्य देवता को जल नहीं दे सकते, संडे के संडे तो दे सकते हो, कोशिश करिएगा संडे के संडे, ये ना हो 2 बजे तक नहाओ ही नहीं, इसलिए नहा ही नहीं तो जल देना नहीं, तो चलो ना भी नहाओ ना तब भी जल दे देना, जल ज़रूर देना संडे के संडे। कोशिश करके सवेरे थोड़ा जल्दी उठो, नहाओ और सूर्य को जल दो, मैजिक होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी जो बाहर की दुनिया है जिसके साथ आप दुनिया से डील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेलसी नहीं करनी। किसी और को अच्छा करते हुए देखकर अगर आपके दिल में दर्द है, आपके दिल में परेशानी है या आपके मन में जलन है, तो आप वही एनर्जीज अपने साथ और ज़्यादा इकट्ठी करेंगे और वहाँ सिर्फ आपको पिटफॉल ही दिखेगा, डाउनफॉल दिखेगा। इसलिए दूसरों को अच्छा करते हुए देख के उनको शाबाशी दीजिएगा और उनको ये कहिएगा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड यू शुड जेन्युइनली बी प्राउड। व्हाई? बिकॉज जो हमारे अंदर से बाहर आवाज़ जाती है, जो एनर्जी बाहर जाती है, वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप किसी के लिए एक दुआ मांगते हो या किसी के लिए एक शाबाशी देते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए चार शाबाशियाँ और 4 दुआएँ आप तक भी पहुँचाते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है, करके देख लीजिएगा। तो इसके साथ मैं फिनिश करती हूँ ये स्कॉर्पियो वाली वीडियो। आई थिंक ये वीडियो सबसे लंबी हुई है अमंगस्ट ऑल द सन साइंस। मैं जानती हूँ एक्वेरियस की भी लंबी होगी क्योंकि वो मेरा मून साइन है।
सो इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ स्टुपेंडस अमेजिंग 2024. गॉड ब्लेस यू, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ विशेस.